उसे जी पीपीएसएल के हवाले से कि कराची किंग के फैंस के लिए भी काफी जो है ना वो न्यूज़ कुन खबर है, लाहौर कलंदर के फैंस हैं उनके लिए भी और पिशावर जर्मी के फैंस हैं उन्होंने ना उनके लिए भी जो है ना वो सैड न्यूज है जी। सैड न्यूज ये है जी लाहौर कलंदर के फैंस के लिए कि लियम डोसन जो है ना वो इंजरी का शिकार हो गए हैं, अपने घुटने की इंजरी की वजह से जो है ना वो पीएसएल से बाहर हो गए हैं और पीएसएल से मुकम्मल तौर पर जो है ना वो बाहर हो गए हैं। लेकिन इतने सैड नहीं होंगे लाहौर कलंदर्स के फैंस क्योंकि ज्वाइन कर लिया जी राशिद खान ने लाहौर कलंदर को और हो सकता है कि कोटा ग्लैडिएटर के मैच में जो है ना वो एन मुमकिन है कि वो खेलेंगे प्लेइंग 11 में राशिद खान, पाकिस्तान वो पहुंच चुके हैं। लेकिन जो सैड न्यूज है जो सबसे ज्यादा सैड न्यूज है वो है कराची किंग से फैंस के लिए कि मोहम्मद आमिर जो है ना वो पीएसएल एयर से बाहर हो गए हैं, वो भी घुटने की इंजरी का शिकार हुए हैं और ऑफिशियली जो है ना वो कराची किंग ने अनाउंस कर दिया जी के जो है ना मोहम्मद आमिर वो पीएसएल 8 नहीं खेलेंगे और बाहर हो गए हैं जी पीएसएल 8 से मुकम्मल तौर पे जो है ना वो बाहर हो गए हैं। अब देखना ये है ये जो है ना वो बहुत ही क्रूशल जो है ना डिसीजन होगा कराची किंग का। पहले भी फैंस काफी न्यूज थे कि कराची किंग मैच नहीं थी जीत रही लेकिन एक मैच जीती मोमेंटम पकड़ा ही था कि उनको फिर जो है ना वो सैड न्यूज आ गई और बहुत बड़ी सैड न्यूज है जी कराची किंग के लिए क्योंकि पहले उनके मीर हमजा फास्ट बॉलर वो भी इंजरी का शिकार हो गए और अब मोहम्मद आमिर जो है ना वो भी इंजरी का शिकार हो गए हैं। यही ज्यादा मेन जो है ना वो बॉलर थे कराची किंग से और इतनी ज्यादा जो है ना हमने देखा कोई स्ट्रेंथ नहीं है कराची किंग की बॉलिंग में और जब मेन बॉलर जो मोहम्मद आमिर जैसा बॉलर जो है ना वो अपनी आपकी टीम से निकल जाए जब तब जब आपकी टीम जो है ना वो क्लैप्स कर रही हो तो फिर बहुत मुश्किल होता है टीम के लिए जो है ना वो फिर से जो है ना रीबिल्ड होना फिर से जो टीम खड़ी करना बहुत मुश्किल है। और ये अब टफ जो है ना वो हो गया इमाद के लिए कि क्या वो मोहम्मद आमिर की जगह कौन सा जो है ना वो फास्ट बॉलर लाएंगे कि उनकी टीम में मोहम्मद आमिर की कमी तो कोई भी नहीं पूरा कर सकता लेकिन डिसीजन अब बहुत मैटर करता है कराची किंग के लिए कि अब वो कौन सा जो है ना फास्ट बॉलर जो है ना वो टीम में शामिल करते हैं। अभी अभी खुश हुए थे कराची किंग के फैंस लेकिन फिर सैड न्यूज उनके लिए आ गई है तो बहरहाल ये पार्ट ऑफ गेम है। तो तीसरी ये जो खबर है और वो है जी पेशावर जर्मी के लिए, उन्हें इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि शाकिब अल हसन जो है ना वो अपनी जाती मसरूफियात की वजह से जो है ना वो पाकिस्तान से लीव कर गए हैं और वो अमेरिका के लिए रवाना हो गए हैं, कोई जाती एमरजेंसी की वजह से जो है ना उन्हें जाना पड़ गया है। और अगर जो पेशावर जर्मी है वो प्ले ऑफ में पहुंचती है तो फिर जो है ना वो शाकिब अल हसन जो है ना वो ज्वाइन करेंगे पेशावर जर्मी को।